कौन है आप कनेक्शन है ये देखे भाई लड़ रहे हैं दोनों शॉप कर रहे हैं और शॉप करा रहे हैं ऐसे ये माशाल्लाह अफोर्ड शेयर का जो हमारा बछड़ा रुस्तम नाम है इसका बछड़े का अफोर्ड शेयर के लिए अवेलेबल है माशाल्लाह मजबूत हाथ पैरों का और अच्छी सलामी का अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर का बछड़ा ही है और अभी पक्का खीरा है माशाल्लाह तो बहुत अच्छी चीज़ है अच्छी खिलाई पिलाई इंशाल्लाह होगी तो बहुत अच्छी चीज़ें बनेगी माशाल्लाह सारे जानवर शरीफ हैं ये भी आप देखें माशाल्लाह ये फैला रहे हैं तो ये जो बच्चे भी जो आते हैं अपना शौक पूरा करें माशाल्लाह सारे जानवर जो हैं वो बिल्कुल सही सीधे साधे हैं घर के पले हुए हैं सारे ऐसा सब है और काफ़ी शरीफ बच्चा है भाई माशाल्लाह भाई बहुत शरीफ है माशाल्लाह से भाई गोला भी बनाना शुरू कर दिया है माशाल्लाह करीब से दिखाएं भाई माशाल्लाह भाई मुझे बकरी भी यहाँ पे जी हाइब्रिड बकरी की 60% थोड़ा माशाल्लाह भाई इसका बताएं ये जो है हमारे पास पलाई पर है और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है जो ये आया था ना इससे माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया गुलाबी नस्ल का बच्चा है मुंडा अभी सारी इसकी वैक्सीन कम्प्लीट हुई है तो इंशाल्लाह तकरीबन 2 महीने में जाके अपने स्ट्रक्चर पकड़ेगा फिर बहुत अच्छा वेट उठाएगा भरपूर नस्ल का बच्चा है माशाल्लाह भाई ये बच्चा भी बहुत अच्छा लग रहा है ये माशाल्लाह ये तो हमारा 5 दिन का था जब से पल रहा है अच्छा, माशाल्लाह अब ये तकरीबन 7-8 महीने का हो गया है माशाल्लाह आप इसकी पलाई चेक करें माशाल्लाह भाई माशाल्लाह तो कितना पलाई कितना वो बकरियाँ हैं 56 बकरियाँ हैं और कुछ बच्चा आपको चलवा के दिखा दो तो ज़रा बाहर निकाल काफी आप कलेक्शन है बकरियों में तुम भी देखना ये देखे भाई लाने दोनों माशाल्लाह तुम्बा देखे भाई माशाल्लाह से भाई तुम्बा देखें माशाल्लाह से दूध की तरह सफ़ेद हुआ है माशाल्लाह और उसकी शाइनिंग देखें आप खाल में इस ब्लैक वाले के ना माशाल्लाह हाँ भाई क्या खाते हो मैं तो भाई वंडा नहीं खाता मैं तो भाई मक्खन घी खाता हूँ ना भाई भाई माशाल्लाह तो टेडी टापरे में शौकीन है ना उनके लिए भाई माशाल्लाह तो भाई इनको क्या खिला रहे हैं देखिए इनमें जो हमारी फीड चल रही है वो चल रही है चने का छिलका गंदम का दलिया खाली चने की अट्टी और चोकर इसी के साथ साथ ये हम 6.5 में दे रहे हैं 8.5 में हम सारी वैक्सीनेशन और घी और तेल चढ़ा चले भाई माशाल्लाह अच्छा मैंने सुना था शायद आप तो आलू आलू बिल्कुल बिल्कुल आलू जो हम कर रहे हैं वो गायों में यूज़ करते हैं हमारा जो 23 वाला पैकेज है जिसमें हम आलू दे रहे हैं और आलू में आपको पता है कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा होता है तो उससे वेट गेनिंग बहुत अच्छी आती है आजकल आलू बड़े महंगे हैं तो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं मैंने आपको पहले बोला मैं शॉप कर रहे हैं और शॉप करा रहे हैं ऐसे सिस्टम से तो भाई आप लोग जो घरेलू हालात हैं उनको भी पता है आलू कितने महंगे चल रहे हैं आजकल तो भाई ये देखें जानवरों को आलू भी दिया जा रहा है माशाल्लाह से ये भाई एक बकरी उन्होंने निकाली है बड़ी ये कौन सी नस्ल की बकरी ये है मक्की की ना क्रॉस की बकरी है और ये असी के दो बच्चे हैं माशाल्लाह से अच्छा, अभी माशाल्लाह दोबारा एक गब्बन हो गई है तो इसकी नेक्स्ट ब्रीड अभी इंशाल्लाह आने वाली है तो अब्दुल रहमान भाई एक दफ़ा और अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिएगा थोड़ी लोकेशन भी बता दीजिएगा देखिए लोकेशन जो है हम बिल्कुल शहर के बीचों बीच खड़े हुए हैं गुलशन है म्यांमार का जो 25 का स्टॉप है वहाँ पर हम अभी खड़े हुए हैं और जो भी मेरा जो नंबर है वो 0331351770 है जो भी भाई इंटरेस्टेड हो पलाई के लिए फॉर सेल के माल के लिए लाजमी कॉन्टैक्ट करें लोकेशन और सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर दे दी जाएंगी तो दोस्तों ये थे अब्दुल रहमान भाई भाग भैया कैटल फार्म के ओनर तो इनके जानवरों के कलेक्शन हमने दिखा दिए हम टाइम टू टाइम विजिट भी करेंगे इनके फार्म का दोबारा बाकी एक बच्चा मुझे दिखा था माशाल्लाह से टेडी टापरे में भाई माशाल्लाह बाहर का भेज गया ओ तो दूसरा भी भाई माशाल्लाह भाई ये देखें भाई इस बकरी के भाई दोनों बच्चे हैं ये माशाल्लाह से तो दोस्तों जिनको समझ में आ रहे हो जानवर और पढ़ाई के वाले से तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं
साथ गुजारा दीजिएगा, अपना और प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई जगह पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।